भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित समाज की सच्ची हितैषी पार्टी है तथा मोदी सरकार अनुसूचित समाज के हित में कार्य कर रही है। मोदी और योगी सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हित में बनाई गई हैं। देश का विकास मोदी के साथ ही संभव है। यह विचार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तर मंडल की मोहल्ला श्री भगवान नगर बगीची पर आयोजित बैठक में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य भगवान दास शंखवार ने व्यक्त किए। मंडल अध्यक्ष केशव देव शंखवार ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण कर ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया। मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवकुमार शंखवार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में पूरी ताकत से जुड़कर अनुसूचित समाज के लोगों को अधिक से अधिक पार्टी से जुड़ने के लिए जुट जाए। बैठक में पार्षद प्रतिनिधि गेंदालाल राठौर, पूर्व सभासद हरिशंकर राठौर, राजकुमार शंखवार, राजेश कुमार दिवाकर, चंदन सिंह, लालता प्रसाद उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल महानगर फिरोजाबाद में एससी मोर्चा के जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं शिवकुमार संघवार जी, उनकी टीम उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, महामंत्री की टीम जो घोषित की है, उन सबका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया और उनको आने वाले समय के लिए जो 2022 में आने वाला चुनाव है उसके लिए एक नेतृत्व के आह्वान पर आने वाले समय चुनाव में हम सभी एक साथ सहयोग से और सभी का साथ सभी का विकास के नारे के साथ में हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा विजयी बनाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने सभी पदाधिकारियों को स्वागत किया है और अपने भारतीय जनता पार्टी की जो आवाज़ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इनको सबको जानकारी दी है। यही है टीम गठित की। यही है आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा उत्तर मंडल की टीम हमारे सियोग और कर्मठ मंडल अध्यक्ष भाई शिवकुमार शंखवार जी ने घोषित किए हैं। हम सभी को आमंत्रित किया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर मंडल के अध्यक्ष भाई केशवदेव शंखवार जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि गेंदालाल राठौर जी, हमारे पूर्व दो बार के सभासद रहे आदरणीय हरिशंकर राठौर जी वरिष्ठ नेता हैं, साथ में हमारे संजय भारद्वाज जी जो वार्ड अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को इन्होंने आमंत्रित किया। हमारे द्वारा इन सबको नियुक्ति पत्र दिए गए और इनको ये शपथ दिलाई गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे और सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। अधिक से अधिक अनुसूचित समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी जोड़ना है, इसी दृष्टि से आज की बैठक रखेंगे।